बिजली के बकाया बिल के चलते टीन शेड में डूब गांव के 350 परिवार रहने को मजबूर है। 5 दिन से अंधेरा है। एमपीबी के अधिकारी बोले कनेक्शन लेने के बाद सिर्फ एक बार बिल का भुगतान किया गया है और 11 लाख से अधिक राशि का बिल बकाया है, इसलिए करीब 14 कनेक्शन पर बिजली सप्लाई बंद की गई। सरदार सरोवर बांध के बैक वाटर से प्रभावित 9 डूब गांवों के करीब 350 परिवार पिछले 6 महीनों से टीन शेड में अंधेरे के बीच रह रहे हैं। पाटीनाका स्थित टीन शेड की बिजली कट जाने के बाद यहां बिजली शुरू करवाने के लिए किसी ने भी इनकी सुध नहीं ली है, जबकि मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के जवाबदार कहते हैं कि 2 साल पूर्व जब डूब प्रभावितों को बसाया गया था तब प्रशासन ने अस्थायी कनेक्शन लिया, लेकिन 2 साल में सिर्फ एक बार बिजली का बिल जमा किया है। वर्तमान में पूरे 14 बिजली कनेक्शन का करीब 11,94,000 बकाया है। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। बिजली कटी है सर, क्या कारण है सर? टीन सेट पे क्या है, जो टेम्परेरी कनेक्शन है बिजली सप्लाई के लिए जिस समय पुनर्वास किया जा रहा था तो टेम्परेरी कनेक्शन लिया गया था। उसमें बड़वानी पाटीनाका सोंदू और अंजर जो 3-4 जगह टीन सेट जहाँ पे अस्थाई लोगों को बसाया गया टेम्परेरी कनेक्शन लिया गया और अभी तक लगभग 2 साल हो गए उसमें से मात्र एक बार भुगतान किया गया है। अभी भी अगस्त की स्थिति में कुल इन टीन सेटों पर 11,94,000 का बकाया है, जिसका बिल जो है प्रोसेस में भी है लेकिन सतत प्रयासों के बाद भी भुगतान नहीं किए जाने के कारण दिवाली के बाद से कनेक्शन वो विच्छेदित वो कर दिए गए हैं। अभी भी प्रयास किया जा रहा है लेकिन वो भुगतान नहीं होने के कारण कनेक्शन कटे हुए। सर टोटल कनेक्शन कितने थे और कितने काटे गए हैं? टोटल वो 14 कनेक्शन थे, सभी कनेक्शन काटे गए और सभी कनेक्शनों पर बकाया है। अभी अगस्त की स्थिति में इन 14 कनेक्शनों पर 11,94,000 का बकाया है। टीन सेट की लाइट कटी है आज 7वां दिन है। नर्मदा घाटी में सरदार सरोवर के जिन लोगों के मकान डूबे लेकिन उन्हें पुनर्वास की पात्रता होते हुए भी कहीं घर प्लॉट नहीं दिए हैं या घर प्लॉट दिए हैं तो भी 5,80,000 का घर बनाने का मुआवजा यानी अनुदान नहीं दिया है। ऐसे में दलित मजदूर परिवार ही सबसे अधिक है और इन पर अत्याचार हो रहा है। इन्होंने 2 साल पहले जिस टीन शेड में पुलिस बल के सहारे पुनर्वास कार्यालय के अधिकारियों ने डाला, पंचनामे करवा दिए, उनके आवेदनों पर हमारे आंदोलन के आवेदनों पर आज तक जवाब नहीं दिए हैं, आदेश नहीं दिए हैं, तो ये दोष किसका है कि उन्हें टीन शेड में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उस टीन शेड में कुछ शुरुआत के महीने भोजन दिलाया, पानी बिजली भी अब काटने जा रहे हैं और आज अंजड़ कैसे टीन शेड की जो बिजली काटी गई है ये तो बिल्कुल ही अन्याय है। दीपावली के समय भी ये लोग अंधेरे में ढकेले हैं पूरी जिंदगी इन लोगों की। और ये ऐसे लोग हैं कि जिनके गांव के लोग, गांव पंचायत के सदस्य, सरपंच सभी को पता है, वो प्रमाण पत्र दे रहे हैं कि उनके घर वहीं थे और वो डूब चुके हैं और डूबे इसीलिए इनको टीन शेड में रखा गया। लेकिन इन लोगों के नाम विस्थापितों की सूची में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे कि शासकीय कर्मचारी अगर कहीं नौकरी में है तो वो बाहर जाकर रहते हैं, तो ये मजदूर कोई गुजरात में जाते हैं, कोई इंदौर में जाते हैं और उसी वक्त अगर इनका नाम छूट गया तो इन्होंने सालों साल आवेदन देकर भी वो नाम नहीं जोड़े नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने। अभी जो बताया जा रहा है कि NVDA ने बिजली का बिल 12 लाख का नहीं भरा है, ये भी बिल्कुल ही मान्य करने जैसा मुद्दा नहीं है। जो भी पुनर्वास का खर्चा आएगा प्रशासकों के तनख्वाह से लेकर पुनर्वास की जमीन खरीदी तक और मजदूरों की पुनर्वास स्थलों पर हर एक की व्यवस्था करने तक, कुमार, केवट, मछुआरे सभी को आज भी संपूर्ण अधिकार नहीं मिले, सब आधा अधूरा है, तो इसका पूरा खर्चा गुजरात ने देना है, यही नर्मदा ट्रिब्यूनल का फैसला है। और मध्य प्रदेश और गुजरात में एक पार्टी 15 साल तक रही, फिर भी क्या उन्होंने कानूनन गुजरात से पैसा लेना संभव नहीं था? बिल्कुल था। आज 4 मुख्यमंत्रियों की बैठक में मध्य प्रदेश सरकार ने दावा किया है कि उन्होंने जो खर्चा किया है उसकी भरपाई 7,336 करोड़ रुपए चाहिए। तो इतने समय ये कर क्या रहे थे? गुजरात अगर ट्रिब्यूनल फैसला यानी कानून का उल्लंघन कर रहा है और मध्य प्रदेश की अवमानना कर रहा है तो मध्य प्रदेश सरकार क्या गुजरात की या केंद्र की गुलाम बन गई है क्या? अभी भी वो कह रहे हैं कि 1,01,185 करोड़ रुपया
पुनर्वास के बाकी कार्य के लिए चाहिए। तो ये बात उन्होंने उस समय क्यों नहीं कही जब पूर्ण जल स्तर तक पानी भरा गया प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर। आज गांव गांव में आप देखिए पिपलूत का उदाहरण, दिलीप भाई यादव का देखिए कि किस प्रकार से उनके खेत पानी से घेरे गए हैं। 20 किलोमीटर का रास्ता काटना संभव नहीं है, जमीन ही कट रही है। 7-8 फीट जमीन पहले ही कट चुकी है पिछले साल 2 साल में, तो कैसे ये खेती करेंगे। लेकिन आज तक ऐसी जमीनों का भू अधिग्रहण बाकी है, बसाहटों की सुविधा देना बाकी है। कई सारे मजदूर मछुआरे किसानों के भी पुनर्वास और आजीविका के अनुदान की राशि देनी बाकी है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर करीबन 200 से अधिक, मैंने सैकड़ों जिनकी पूरी सूची नहीं मैं बोल रही हूँ, आज उनके 60 लाख रुपए देने बाकी है, कईयों के 15 लाख रुपए देने बाकी है, घर प्लॉट देने बाकी है। ऐसी स्थिति में टीन शेड में रहने वालों की तो सबसे बदतर स्थिति होते हुए, जो कि सरकार के ही कमजोरी के कारण और सरकार के ही कानून विरोधी कार्य के कारण हुई है। तो इनकी बिजली काटना बहुत ही अन्याय और अत्याचार है। ये SC ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन कानून, जो अत्याचार प्रतिबंधक कानून है, उसके तहत अधिकारियों पर के खिलाफ केस दाखिल करने वाला मामला हमें दिखाई दे रहा है और हम इसको आगे बढ़ाएंगे जरूर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।